दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और हमारे साइड में है रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, जिन्होंने आईपीएल 2023 में शुरुआत तो काफी खराब की थी, लेकिन इस टीम ने बहुत ही रोमांचक अंदाज से, जबरदस्त अंदाज से कमबैक करके प्लेऑफ की तरफ अपने रास्ते साफ कर लिए। भाई अब हमारे साइड में है माही सेना चेन्नई सुपर किंग, जो प्लेऑफ में पूरे सीजन में टॉप ऑफ द टेबल हमें नजर आई है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर छोटी सी मुसीबत में सीएसके की टीम फंसी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें फिलहाल जोरों शोरों से आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। दो टीमों ने यहां पर लगभग अपनी जगह को पक्का कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप चार टीमों के बारे में जो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जेंट्स, इन सभी टीमों के लिए प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन के लिए क्या सिनेरियो बन रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आईपीएल 2023 की अभी तक की नई नवेली पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। तो पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर भाई टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस की टीम 18 पॉइंट सिस्टम के पास मौजूद है। सेकंड नंबर पर चेन्नई सुपर किंग की टीम है, जिसके पास 15 पॉइंट्स है। थर्ड नंबर पर आपकी मुंबई इंडियंस की टीम है, जिनके पास 14 पॉइंट्स है। फोर्थ नंबर पर आपकी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम है। पांचवें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। बाकी सभी टीमों की स्टैंडिंग्स भी आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर प्लेऑफ्स की रेस से भाई आपकी दो टीमें तो पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब किसी भी हालत में आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों बाकी 8 टीमों के बीच यहां पर अभी भी लगातार रेस जारी है, जिनमें से भाई आपकी 2-3 टीमों के नाम यहां पर लगभग कंफर्म नजर आ रहे हैं। बाकी टीमें यहां पर फिलहाल जबरदस्त रेस में बनी हुई है। तो चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं उन टॉप 4 टीमों के बारे में जो हमें आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी वाली गुजरात टाइटंस की टीम, जिन्होंने आईपीएल 2023 में अभी तक कुल 13 मैच खेले हैं, 9 महामुकाबलों में जीत दर्ज की है, 4 महामुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टीम के पास 18 पॉइंट्स है, इनका नेट रन रेट भी काफी जबरदस्त, और आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस फर्स्ट टीम बन गई है। उसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हां, मुंबई इंडियंस टीम का सिनेरियो फिलहाल काफी जबरदस्त हो चुका है। मुंबई इंडियंस टीम के परफॉर्मेंस को आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर टीम ने अभी तक कुल 12 मैच खेले हैं, 7 महामुकाबलों में जीत दर्ज की है, 5 महामुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम के पास फिलहाल 14 पॉइंट्स है, टीम के 2 महामुकाबले बचे हुए हैं। यदि यह टीम दोनों महामुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो बिल्कुल इजीली यहां पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। टॉप 2 कंटेंडर्स में हमें यहां पर यह टीम नजर आने वाली है। उसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है माही सेना चेन्नई सुपर किंग की टीम, जिन्होंने आईपीएल 2023 में अभी तक कुल 13 मैच खेले हैं, 7 महामुकाबलों में जीत दर्ज की है, 5 महामुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच इनका लखनऊ के खिलाफ 9 रिजल्ट रहा था। टीम के पास फिलहाल 15 पॉइंट्स है, टीम का क्वालिफिकेशन फिलहाल थोड़ा सा यहां पर अटक गया। जी हां, हर हालत में अपने बचे हुए महामुकाबले में इस टीम को जीत दर्ज करनी पड़ेगी। हालांकि मार्जिन यहां पर कोई इतना अनिवार्य नहीं है, सबसे पहले तो यहां पर जीत जरूरी है, उसके बाद यहां पर इस टीम की पोजीशन यहां पर आपकी मुंबई इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। जी हां, यदि मुंबई इंडियंस के ऊपर आप एक मैच भी हार जाती है तो टॉप 2 में हमें सीएसके टीम नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी टीम के बारे में। तो चौथी टीम को लेकर 3-4 टीमों के बीच रेस यहां पर जारी है, जहां पर आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स, आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, राजस्थान रॉयल्स है, पंजाब किंग्स है, सभी टीमें फिलहाल नंबर 4 पॉइंट आपकी मतलब टेबल में नंबर 4 पर आने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी तैयारियां कर रही है। केकेआर की टीम का क्वालिफिकेशन यहां पर काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये टॉप 4 टीमें हमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली है। इन सभी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।